नाजरीन कराची से ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आओ तो आपको दिखाएं। आज से कि एक गरीब मजदूर के ऊपर जुल्म कर रहे थे पठान पुलिस वाले, पठान के ऊपर जो ठेला लगाया हुआ सुजुकी के अंदर जी, उस पर जुल्म कर रहे हैं, उस पर डंडे मार रहे थे ये लोग। मैंने इनकी वीडियो बनाई जी, मैंने इनकी वीडियो बना के मैं अपने घर आ गया। दो पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे, ये मेरे पास आए ढूंढते हुए, बोले आपने क्या कर गया, मतलब क्या कर गया हूँ। कहने लगे आपने वीडियो बनाई है, मैंने जी मैंने बनाई है। बोले क्यों बनाई है, मैंने आप जुल्म कर रहे थे इसलिए बनाई है। दो सामान तो उनकी मोबाइलें थी, ठीक है ना, बाइक वाले आए पहले, उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीना, मेरी जेबों पर हाथ डाला तो मैंने मजामत करी कि आपने मेरी जेब पे हाथ क्यों मारा, मोबाइल क्यों छीना। तो इतने मोहल्ले वाले भी आ गए तो हमारी उस उन लोगों से थोड़ी मजामत हुई, तो वो बदमाशी के लिए उसका वो मोबाइल लेके गश्त कर रहे हैं इलाकों में हमें उठाने के लिए, हम चार पाँच लड़कों को। तो मेरी एडिशनल आई जी साहब से दरख्वास्त है, एस पी साहब से दरख्वास्त है कि इस मामले पर फ़ौरन आप एक्शन लें। हमने ये जितनी भी ये वीडियो हमारे पास है हमने जमानटोन पे एसएसपी साहब को भेज दिए हैं, और आई साहब आपको भी हम सेंड कर रहे हैं, एसएसपी साहब को भी सेंड कर रहे हैं। ये हमारी आपसे अपील है, आप जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी केस में डाल सकते हैं हमारे को ना ये, मेरी एडिशनल आई जी एसएसपी और डीएसपी साहब से दरख्वास्त है कि फ़ौरन इस पर आप एक्शन लें इसके ऊपर। और कुछ कहना है आपने? बस हमारी डीआईजी साहब से अपील है कि इस पर आप जल्दी से एक्शन लें। आईजी साहब से भी अपील है हमारी, कहीं ऐसा ना हो हमें किसी भी उल्टे सीधे केस में डाल के कोई झूठी एफ आई आर डाल के हमारे को ये लॉकअप करें, क्योंकि हमें धमकियां आ रही हैं फ़ोनों पे, मुसलसल हमें धमकियां दी जा रही हैं मुखबरों के जरिए। मेरे घर पे दो मोबाइल आई हैं और यहाँ ढूंढ रहे हैं मेरे को जी। ठीक है, फ़ौरन एक्शन लें, आपसे अपील है मेरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।